सो बेसिकली तुम लोग इंस्टाग्राम की रील देखकर यहाँ आए हो, तो मैं पहली बता दूँ, हनुमान चालीसा हर कोई पढ़ सकता है, बट महामृत्युंजय जाप हर कोई नहीं कर सकता। इसका एक रीज़न है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है रेजोनेट करती है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज पे। अर्थ, ये ऑब्जेक्ट, ये क्लोथ्स, मैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में हम रेजोनेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हनुमान चालीसा तो काफ़ी हेल्पफुल माइल्ड मंत्र है, जिसमें फ्रीक्वेंसी हर कोई अपने साथ रेजोनेट कर सकता है, तालमेल बिठा सकता है हनुमान चालीसा और उसके साथ। इसलिए अगर हम गलत उच्चारण भी कर देते हैं कभी कभार तो इफेक्टिव होता है, उसको नो डाउट। बट महामृत्युंजय जाप हर कोई इसलिए नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो हम अपनी सेंसेस के हम गुलाम हैं, फर्स्ट तो ये, ठीक है। सेकंड, हमें हमारा गोल क्लियर नहीं है। गोल जिस जिसको क्लियर भी होता है ना, उसमें कॉन्फिडेंस तो एकदम लो होता है कि मैं करूंगा नहीं कर पाऊंगा। कॉन्फिडेंस के भी चार लेवल होते हैं, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। बट अभी ये समझ लो कि जिसका कॉन्फिडेंस लो होता है ना, गोल क्लियर होने के बाद भी तब भी उसको नहीं करना चाहिए महामृत्युंजय जाप, क्योंकि महामृत्युंजय जाप एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करता है। मैंने बताया कि हर चीज़ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करती है, वैसे ही महामृत्युंजय जाप जो है, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, इसलिए उसको गलत उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। जब उसका गलत उच्चारण होना शुरू होगा तब वो बैकफायर करेगी। मेरे साथ क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा लो फील करने लग गया था, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बॉडी में ग्रोथ नहीं हो रही थी, सारे वर्कआउट्स जो है ऐसे इतने, ये समझ लो इनफेक्टिव थे सारे वर्कआउट्स। मैं अपना फुल 100% दे रहा हूँ बट कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इसीलिए महामृत्युंजय का जाप वो कर सकते हैं जो एकदम, जिनको क्रिस्टल क्लियर है, जिनको किसी की परवाह नहीं है, समझ गए, किसी की भी नहीं, ना घर वालों का, ना खुद का, ना बाहर सोसाइटी का, ना रिलेटिव्स का, ना फैशन की चिंता है, क्या सोच रहा है कोई हमारे बारे में, ना उसकी चिंता है। ये सब अगर आप छोड़ दोगे ना, जिसको जिसने ये सारी छोटी छोटी चीज़ें छोड़ दी ना, वो एक अलग लेवल पे क्रॉस कर जाता है। तो इसीलिए मैंने बीच में ट्राई करा था, तो डे 70 में मैंने शुरू करा था अपने चैलेंज के। डे 70 में मैंने महामृत्युंजय जाप, शिव तांडव स्तोत्रम, बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर सुनना शुरू करा था। और अभी 4-5 दिन पहले ही मेरा जैसी फोकस मेरे गोल से हटा तो इसका बैकफायर कर गया। इसीलिए मैं इसका वापस से शुरुआत करूँगा बाद में, जब मेरा गोल जो है एकदम वापस से अनशेकेबल हो जाए, कि मतलब सोच उठ रहा हूँ तो उसके बारे में, सो रहा हूँ तो उसके बारे में सोच के सो रहा हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ तो फ्रेश होते होते उसके बारे में सोच रहा हूँ, खाना खाते वक्त, चलते वक्त, ट्रेनिंग करते वक्त, किसी और से बात कर रहा हूँ तो तब भी उसके बारे में बैक ऑफ द माइंड थिंकिंग है, जो 24/7 365 डेज एक ही चीज को लेके सोच सकता है ना, वो महामृत्युंजय जाप उसके लिए तो एक वरदान है, वरदान समझ लो। तो महामृत्युंजय जाप पढ़ने के लिए भी एक सर्टेन लेवल आपको क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपने वो सब क्लियर कर लिया तो वेल एंड गुड, जो मंत्रा पढ़ने पढ़ो, जो भजन सुनने सुन लो। These are the best gifts that we could have ever got from our predecessors. So this is where we have to push past our limits, guys. Let's go.